हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिस्टन गेमर। तो आज हम बात करने वाले हैं वैलोरेंट मोबाइल की। तो अभी खबर निकल के आया है कि वैलोरेंट मोबाइल जो है वो अभी डिले हो चुका है। डिले मतलब क्या है, कैंसिल ही ना हो जाए। okay. तो वही बात करेंगे अभी, आ जाओ पूरा डिटेल में बात करते हैं। जैसे कि हम लोगों को पता है कि वैलोरेंट मोबाइल का जो अनाउंसमेंट है वो 2021 में ही कर लिया गया था, तो उसके बाद से ये प्रोग्रेस में चल रहा था। तो अभी फाइनली ये निकल के आया है कि जो टेंशन कंपनी है जो इस गेम को डेवलप कर रही थी या बना रही थी, तो उसने अभी मतलब विड्रॉ कर दिया अपने प्रोडक्शन से, एंड इसकी वजह से अभी गेम फिर से होल्ड पे चला जा चुका है। तो बात अभी ये करते हैं कि अभी मतलब इन लोगों ने ये डिसीजन क्यों लिया और ये हटा दिया क्यों। तो जितना मेरे को लगता है ना कि जो टेंसेंट ने अभी गेम बनाया था, मतलब अभी तक जितना भी डेवलप किया था, तो उससे रायट वाले बिल्कुल भी मतलब सेटिस्फाइड नहीं थे। तो जिसकी वजह से मेरे को लगता है कि टेंसेंट वालों को इजिली हटा दिया होगा। ये बस मेरे एजम्पशन है, क्योंकि रायट वाले ने अभी तक कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिए कि मतलब टेंसेंट अभी क्यों नहीं बना रहा वैलोरेंट मोबाइल। नाउ द फैक्ट इज, हु इज नाउ मेकिंग वैलोरेंट मोबाइल। जैसे कि अभी टेंसेंट ने ये गेम प्रोडक्शन से छोड़ दिया है, तो अभी ये राइट गेम्स वाले जो कि वैलोरेंट पीसी के डेवलपर्स है, उनका जो एनए का टीम है ना, वो अभी बना रहे हैं ये गेम। बात ये है कि अभी जो ये बनाएंगे पूरा स्क्रैच से बनाएंगे, यानी कि मतलब अभी तक जितना भी बनाया था टेंसेंट वालों ने वो अभी कुछ कंसिडर नहीं करेंगे, एकदम पूरी तरीके से न्यू पूरा न्यू से अभी स्टार्ट करेंगे जीरो से और फिर अभी बनाएंगे। तो आप काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि ये ऑलरेडी इतना डेवलप हो चुका है तो फिर से अभी स्क्रैच से क्यों बना रहे हैं लोग। तो ये आंसर भी देख लीजिए इसका, क्योंकि मैं एग्जैक्टली यही कहना चाहता, रायट वालों को ये वाला गेम का जो डिज़ाइन बनाया था ये इतना पसंद नहीं आया, तो जिसकी वजह से वो लोग फिर से स्क्रैच से बना रहे। एंड एज ए रिजल्ट ये गेम फिर से और भी ज्यादा डिले हो जाएगा। अभी 2024 को रिलीज ना हो पाए, क्या पता 25 को हो। तो ये मतलब एक सैड न्यूज है। और दूसरी चीज ये है कि जो अभी इंडिया में ये रिलीज होने का चांसेस कम था, क्योंकि टेंसेंट वाले बनाए रहते। आपको याद भी होगा पबजी मोबाइल जो बैन हुआ था क्योंकि वो टेंसेंट ने बनाया था, जो कि एक चाइनीज कंपनी। तो अभी जैसे कि ये बना रहे हैं रायट गेम्स वाले, तो इसका चांस ये है कि अभी इंडिया में ये रिलीज हो सकता। तो ये एक गुड न्यूज है इंडियंस के लिए। तो अभी देखते हैं ये कब तक रिलीज होता है। कुछ भी अगर नया अपडेट आता है तो मैं तो इधर हूँ आपको बताने के लिए। तो इसीलिए ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए किसी भी गेमिंग रिलेटेड कंटेंट के लिए। और अभी मैं चलता हूँ। ओके टाटा, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अच्छा।